जाओ जाओ, अम्मा देख रहे हैं पूरी बात है, जाओ अंदर जाओ, तेरे अंदर जाओ, अंदर जाओ, बैग चाबा है मेरे। अच्छा मेरी बात सुनो, ये वाला दरवाजा बजाओ, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। हाफिज बाबे का बिल्कुल ख्याल रखना है, सही है ना? आगे जाकर कोई ऐसा कर लेगा। चुम्मे चुम्मे नहीं ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अमजद असलम, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमजद यास्मीन व्लॉग। आज ना हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा गाना जो है ना एडिट होके आ गया हमारे पास, और जब आप लोग गाना देखेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, मस्त वाला। हम रात को पूरी रात, मैंने ना गाना मिलना था मंडे को, और हमारे जो एडिटर हैं भाई उसको मैंने बोला यार मुझे ना जुम्मे की शाम तक दे दो, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए ना, फिर उनको दिखाएंगे। तो वो बेचारे ने बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत की, फिर उसके बाद जाके ना हमें गाना रात को कितने बजे, 4 बजे रिसीव हुआ ना। तो हम जब 4 बजे हमने गाना अपना सुना, अच्छा, देखा गाना पहले आ गया था जानम। हाँ। मैंने आपको नहीं बताया, आप बाहर नहीं खड़े? हाँ, मैं बाहर खड़ा हुआ था, मोबाइल इसके पास था, इसने मुझे आके, मैं लेटा आराम से ना व्लॉग एडिट करने के लिए, मुझे कहती है अपना गाना भी आ गया, मैंने बोला है। फिर जब हमने गाना सुना तो ओए मज़ा आ गया, क्या एडिटिंग थी, क्या सीन थे उसमें, और बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है हमारा। अभी रिलीज़ नहीं हुआ, इंशाल्लाह रिलीज़ होगा कुछ दिनों में, 2-3-4 दिन लग जाते हैं, आपको पता है बड़े जो चैनल होते हैं ना तो उनको उनको भेजते हैं ना गाना हम लोग, तो वो जो है ना टाइम लगाते हैं, क्योंकि उनके पास पेंडिंग में और भी सॉन्ग्स रखे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मतलब आए और फौरन जो है ना सॉन्ग चला दें, क्योंकि उनका जो यूट्यूब चैनल होता है ना वो इस तरह से ही चल रहा होता है कि जो है ना सॉन्ग पे सॉन्ग, सॉन्ग पे सॉन्ग, क्योंकि अगर वो हर रोज़ सॉन्ग अपलोड नहीं करेंगे तो फिर उनका चैनल ही बैठ जाएगा। जैसे हम लोग यूट्यूब पर डेली व्लॉगिंग करते हैं तो सही चलता रहता है, अगर एक आध हफ्ता जो है व्लॉगिंग छोड़ दो तो फिर जो है ना चैनल भट्ठा बैठ जाता है चैनल का। तो हमारा सॉन्ग आ गया, एक सॉन्ग आ गया, एक सॉन्ग अभी मेरे ख्याल में वो भी 1-2 दिन में ही आ जाएगा, मतलब टोटल हमारे 2 सॉन्ग शूट हो गए हैं, तीसरा शूट जो है ना हमारा अभी कल परसों पे है, 1-2 दिन पे ना मतलब के हो जाएगा वो भी। तो 2 सॉन्ग जो है, पहला जो सॉन्ग किया था हमने भाई का, जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट था, जिसकी वीडियोज़ हमने टिकटॉक पे भी लगाई थी, वो सॉन्ग जो है ना आ गया है, हमारे पास आ गया है। तो आप लोग इंतज़ार करें कि जिस दिन रिलीज़ होगा आप लोगों को लिंक में हर चीज़ मिल जाएगी कि वाकई इनका गाना रिलीज़ हो गया है। अच्छा, हमने फैसला किया था कि हम अपने YouTube पे लगाएंगे गाना, जब हमने गाना देखा ना तो गाने पे बड़ी मेहनत हुई या बड़ी एफर्ट, इतना जो है ना बजट लगा है उस पर, तो हमने सोचा हम अपने YouTube पे नहीं लगाते, क्योंकि हमारे YouTube पे तो आप लोग देखेंगे 10,000, 12,000, 15,000 व्यूज़ आएंगे। हम स्रैकियों का ना बहुत बड़ा चैनल है जिसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो उसको भेज रहे हैं गाने के लिए कि वो रिलीज़ करेगा अपने चैनल पर, तो वहाँ से और लोग भी देखेंगे, जाहिर है आप लोग भी देखेंगे, आप लोगों को लिंक शेयर करेंगे, तो वहाँ पर जाके आप लोगों ने लाजमी देखना है, बहुत मज़े का। अभी फिलहाल जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठ के भाई के घर जा रहे हैं उनको दिखाने के लिए, क्योंकि गाना जो है ना जब से हमारे पास है उनको किसी को नहीं पता गाना आ गया, क्योंकि सब एक्साइटेड थे कि हमें दिखाओ हमें दिखाओ। तो अभी हम जा रहे हैं उनको गाना दिखाने, देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन आता है गाना देख के, कैसा गाना है, कैसा मतलब हमारी एक्टिंग है। एक भाई ये सामने आ रहे हैं, गाना आ गया भाई जान, गाना आ गया, चलो तो आपको दिखाऊँ। चलो भाई हम तो दही आ रहे थे, बस गए कर ही हो रही। अच्छा तेरी मैं चोरी चोरी वीडियो बना रहे आसा, शीशे जो वेख लिया थी थले जमीन दे विच, शीशा शीशे भी तेन वेख ही बैठा था, फिर बाबा मैं सुत्ता पे चलदा पिया जे डिग पवा फिर बाबा मुर्गा फड़ लेने आ। केड़ा मुर्गा? हां मुर्गा, फिर जा मुर्गे। हां लड़कियां भी ने प्यार बाबा। यार जन्म इधर कितनी गाय है ना, सब बहुत गाय है, जाओ गाय का दूध निकाल के आओ, मुझे डर लगता है भाई। क्यों? नहीं जाओ तो सही। अच्छा मेरी बात सुनो, ये वाला दरवाजा बजाओ, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। मैं तुम्हें कैश दूंगा, दरवाजा बजाओ जिसका भी है, तुम दरवाजा बजाओ, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, बजाओ। तुमने देखो शर्त। हाँ मैं दूंगा, चलो चलो चलो, दरवाजा बजाओ, दरवाजा बजाओ। उनका दरवाजा हो गया, बोलो मैं कतरे पिलाने वाली हूँ। ये बोलो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, ये बोलोगी? बोलो मैं बताता हूँ घर, आगे चल के ना तुम्हें बताता हूँ मैं। देखो देख रही है,
हंस रही हैं जिनका दरवाजा बंद है। ओ इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से चलो, इधर सामने से चलो, जंगल से मैं तुम्हें लेके चलूंगा। वो मुझे बाय बाय कर रही है, देखा? हाँ, उन्होंने बोला कि इसने बजाया दरवाजा, इधर आओ, वहां नहीं जाओ, ये रहे पोटी, पोटी में घूम रही हो पागल। हम लोग जो है ना वो क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो हमारे घर की गली है। तो ये रहा हमारा घर सामने। हाँ, तो पता ही नहीं। मैं तुम्हें वो रोड से लेके जाता हूँ, लेकिन आज तो मैं ना फुल इधर से लेके जा रहा हूँ, मैं जंगल से शॉर्टकट रास्ते से लेके जा रहा हूँ। मुझे यार उधर तो गई थी, तो मुझे लेके यार अभी लेके चल लेते हैं सरकार, और हुक्म करो कुछ। हम लोग जो है ना आज खाले के ऊपर घूम रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं खाले को उर्दू में? सरेकी में तो खाला बोलते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या, जानम क्या बोलते हैं? मैंने क्या पता, मैं खालियां तो रह ही नहीं है। नाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाला, नाड़ा, नाड़ा, नाड़ा बोलते हैं। पोटी की भी लोगों ने कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो तुम देख के चलो ना, तुम अंधी हो क्या? आपको बोल रही हूँ, मैं तो देख के चलो। तो मैं भी नीचे देख, मैं कौन सा कैमरे में देख रहा हूँ? जानो खबरदार, तुमने शूज गंदे किए, धोने मुझे ही हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धुल जाएंगे। लोग जो है ना अपने प्लाट में जा रहे हैं वीडियोस बनाने, क्योंकि गांव की, ओ दरवाजा बंद कर देना, बच्चे आएंगे फिर रश मचा देते हैं, शोर से बड़े भी आते हैं, सब आ जाते हैं हमें देख के। यहाँ पर ना सुकून है प्लाट में ना, कोई बैठा हो केड़ा, कोई बैठे भाई, ओ को बैठे हैं, अब केड़े हैं, अब कौन बैठा है, ओ कोई क्या नहीं, कोई क्या नहीं, ये बैठ जाओ चार भाई पे सामने, तक हटाओ, तक हटा दो, बैठ जाओ। गंदा मंदा तक प्यार भरे। गोबर उठाने वाला किधर है? गोबर उठाने वाला होता नहीं है एक, कौन सा वो, जैसे थक गई हो, बैठ जाओ, सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो पहले। हाँ, तुम दोनों डर जाओगे, तुम दोनों ही, अगर मैंने ये भी डर जाएगा, तुम भी डर जाओगी, तुम्हारा दोस्त भी डर जाएगा। आओ मुझे जनरेटर चला के दिखाओ, जनरेटर चला, अभी टैलेंट चेक करना, रुक जाओ, रुक, चल जनरेटर चला, खैर दोबारा चला, एक बार और। ये ना जनरेटर मुंह से चलाता है, मेरा भांजा है, ओए तरना के एसन, एसन जनरेटर चला, ओए कि मैं कैसे चलाता है ये, तुम करो कोशिश। ओए इको सिखा, इको सिखा, कैसे करते हो, कैसे करते हो, इको सिखा, इसको सिखाओ, इनको ये करता, सिखा सिखा दे सही को, कि मैं करे। अच्छा, चल तुम बोलो, चल तुम करो, करो कर कर, एक दफा कर, एक दफा भैया कर कर, तुम करो। तो घास डालने के चक्कर में सारे अपने कपड़े ट्राउजर खराब कर दिए, तुमने यही पहन के जाना है हमने। मैं नहीं कहते, वो पीछे भैंस मार रही है, डर जाती है तुम, डरपोक हो, पता है, दिखाओ इसको, चेक करो हार्ट बीट, इसको चेक करो, मेरी हार्ट बीट चेक कर, चेक कर ले, देख ले, वो पीछे बकरी आ रही है। अरे भाभी नहीं कर, तुम्हें कसम है यार, तुम्हें मजा आ रहा है? हां तेरे मना कर रहे हैं, नहीं करो, नहीं करो, खाने दो उसको, ओ यार खाने दो, सांप की तरह दबाना है तुम्हारी तरह, दे दो उसको यार, इधर मैं खावांगा, इधर वे खावांगा, जाते दोनों खावांगे। आवा ने मां, ए मुंगरी के है मां, किधर जाती है अम्मा, एकेश है, अच्छा सराकी बोला, मैं नाल सराकी तो बोला, अब नो ना चमारी माला शिकार चादरी सेरे ते ला, हां मेरे भी ला दो, मैं तक ला ले, मेरे ला दो, मेरे ला दो। ये हमारे हमारे लिए मिर्ची लेकर आई है, अभी इसकी ना हम लोग चटनी बनाएंगे। ये हरी मिर्चें और ये ऐसी हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश, तोड़ के लाई हैं अभी। हां अम्मा से दो ही तोड़ के लाई, कोई नहीं भैया ना, तेरे घर चाहिए ना, अच्छा 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 भाई के घर से ला रही हैं। इस बच्चे को कोई भी नहीं चूमता जिसको तुम चूम रही हो। नहीं मैं तो चूम लेना, तेरे मैं तो चूम लेना, कितनी चुलकियां लगा दी है तेरी बच्चे ने। आवन है गावन है गावन गाम, वाह मा वाह, कर भाभी अजान खत्म, गाने ला रही है, गाने ला ले अम्मा, दिखाओ लस्सी, एक मिनट, वाह नमकीन है, मिट्टी है, ये तो पानी है सारा, अच्छा हला से दवा अच्छी बन गई थी। तुमने किसके बच्चे उठाए हुए हैं, टकले मकले हमारा हला, वाह भाई वाह, कौन सही बन गई, फिर वही बात, नहीं खोलो, क्या करें था तारो, कोड खोल दा, कहते मोबाइल दा, मम्मी दा ना कोड खोलो भाई, रोटियां पकानी कैसा अम्मा,
चटनी टमाटर ना लिखवा मसा गुडड़ी ओसले सा खा दिया यार काश बर्फ होती ना इसमें बर्फ नहीं है अमा ठड्डी कहन लगा डाठम थी अच्छी है बर्फ ठड्डी कहन यार बस छोड़ वाली में ठीक है अच्छा जी मैंने अभी जो है ना एक फैसला किया ये देखें अम्मा के साथ बैठी हुई है मैंने अम्मा को बोला है कि अम्मा आप इसको अपने पास रखो ये घास काटेगी यहाँ पर नहीं, और यहाँ घास नहीं कटना चाहना क्यों मैं थक गई यहाँ गर्मी है अम्मा को आप देखो रखे थे घास पटवाई दे करो टोटल अम्मा मैं वैन अभी चाह रहे हो बैग मेरा प्यार बाबू जी मैं बकरियां घास के बदले मिट्टी खिलाऊंगा कोई बात नहीं और अरे बैग मेरा यार मैं तो बना मैं वैन अभी मैं जा रहा हूँ और अम्मा के साथ रहो तुम अम्मा मैं वैदा पिया अल्लाह हाफिज ठीक है मिलते हैं वाले इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह वाल जड़ा ना मिलते हैं एक आप दे कॉल रखें ए मैं तो इन कॉल छोड़ी वैना अम्मा का ख्याल करना और अम्मा इनका खास ख्याल रखना तो माल को संभाले हाफिज भाभी दारी को छोड़ी वैना इनका ख्याल रखें कोई मसला कोई नहीं गाय एक जानवर अंदर रोज पिलाओ हैं नहीं तू चाहे हाफिज बैठा नहीं हाफिज बैठा है अम्मा खड़ी है कसम हो जाए हैं और मेरी कसम हो जाए तो क्या तेरी कसम मैं वैन अभी दो पोरी है मेरी टिकट हो गई है प्यारे भाभी क्या क्या हुआ मैं रो के पीछे लगांगा रो के पीछे क्यों लगांगा तन फिर पैसे और नहीं ओए को फाद इको फाद अम्मा कुंडी लाओ दरवाजा बंद करो दरवाजा बंद करो दरवाजा बंद ओए बंदे देख रहे जाओ जाओ अम्मा देख रहे पूरी बात है जाओ अंदर जाओ नाली जाऊंगा तेरे अंदर जाओ अंदर जाओ बैग चावा है मेरे इधर आओ क्या चलो अंदर चलो अम्मा बुला रही हैं तुम्हें जाओ घास का कुछ कह रही हैं घास डालो जानवरों को घास डालो चलो हाँ तो एक दिन और घास का कर लो अम्मा बोल रही हैं इसको मेरे पास छोड़ के जाओ गुफा दवानी समय हैं प्रैंक कर रहे हैं किस चीज का प्रैंक के मैं छोड़ के जा रहे हैं नहीं कोई प्रैंक नहीं है चलो अंदर अब्बा मैं ना जाना चलो कोई प्रैंक नहीं है चलो 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 अंदर चलो अम्मा इधर काम चेक कर ले होने बैठी हुई तले कैन बना दी बैठी ये देखो ये क्या मिट्टी के घर बना रही हो तुम उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ अम्मा को फाद मान एक फाद ले मैं वहां फाद ले ना ना तेरे कपड़े अम्मा को पहन अम्मा के पास में सब कुछ तुम्हारा अम्मा को ले फाद बन फाद ले अम्मा फाद मैं नहीं जाना चलना तेरे मिट्टी पहन नहीं करो कपड़े गंदे हो जाएंगे कपड़े गंदे हो जाएंगे अम्मा इधर काम चेक कर ले हूँ ये देखो यार अकबर वन चाची को फाद ले ले अपने घर को मैं वहां पिया चलो बैग लेने नहीं जा रही मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज जो है ना यहाँ पर घूम रहे थे तो तीन दिन से बड़े मसरूफ मसरूफ घूम रहे थे आज जो है हमारा लास्ट डे है अभी जो है दिल भी नहीं चाह रहा जाने का लेकिन क्या करें जाना भी है और अम्मी वगैरह सिस्टर वगैरह सब कह रही हैं कि दो तीन दिन और रुक जाओ लेकिन जो है ना हमारा काम ऐसा है कि अभी एक और शूट है हमारा मुल्तान में तो यहाँ से हम लोग बैक मुल्तान जाएंगे अभी और दिल तो नहीं चाह रहा कि जाएँ बट क्या करें मजबूरी है जाना पड़ता है क्या खा रही हो चटनी दिखाओ हाँ 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 मज़ा आ रहा है अम्मा ने बनाई हाँ करो मुझे दो तुम भी पियो मज़ेदार मज़ेदार है ना बहुत अच्छी है दिखाओ किस चीज़ की हमने बनाई कभी ये पानी वाली है हम तो दही वाली बनाते थे ये अलग है ए है सभी क्या है ये पकौड़ा वाली हाँ पकौड़ा वाली सही सही बोल रही पतली पतली वाली नहीं होती है हाँ वो वाली पतली तुम अंदर क्या कर रही हो मुझे ज़रा पता तो चले तुम यहाँ से गई हो ये क्या हरकत है तुम्हारी ये देखो ओए होए अस्तग़फ़िरुल्लाह अम्मा ने करके दिया चूरी और चूरी खा रही है काम चेक करो इसके यार मैं तो वहीं पे खाऊंगा लोगों ने जो है ना सामान वामान उठा लिया अम्मी अब्बू खड़े हुए मिलने के लिए मुझसे और बाहर गाड़ी आ गई है हमारे सामान की यहाँ से हम लोग मुल्तान जा रहे हैं कल हमारा सॉन्ग शूट है अम्मी अब्बू से मिलते हैं आ जाओ अम्मी अब्बू से मिलने तुम कहाँ घूमे जा रही हो पल मिल रहे हैं आप मिले वल वल वहदे पहन चल रहा आप जल्दी आ जाओ चलें खैर चुम्मे चुम्मे नहीं लेना आप जाते हुए चलो 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 बाबू को मिलो अच्छा बाबा अल्लाह हाफिज चलो सामान पहुंचा दिया बैग वैग रख दिए सही अम्मा ओके हाफिज चलो मिलते हैं भाई बैग शैग रख लेते हैं सही बात है
आओ 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 ठीक है बाबे अपना ख्याल रखे चलो चलो मैं बैठो बैठो और किसी को बैठो मैं बनू ने सही है बाय बाय ठीक है लाफ मिलते हैं वाले इंशाल्लाह ओके चलो गुड बाय। जब बंदा निकलता है अपने घर से कहीं जाने के लिए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम जो है रोए हों, लेकिन आज जो है हम रोए क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी भी अभी भी रो रही है और अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी तो अब्बू रोने लग गए और हम भी साथ साथ रोने लग गए। वो देख रहे हैं उनको पता है ये गाय से लगे हैं गाय से ओए होए लगा तो नहीं ज्यादा बच गया ये लड़का बहुत पीछे गया गाय से लगे गाय किधर गई वोरी गाय भाग गई ओए होए चलो बहुत बुरा गिरा बेचारा वो ना बच गया इस साइड पे गिरे हां लोग वहां से निकल गए थे और आधा सफर भी कर लिया तकरीबन आधा नहीं तो तकरीबन 20 किलोमीटर तो हमने सफर कर लिया मुल्तान पहुंचने में हमें तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटा और लगेगा वहां पर पहुंच के आज जो है ना इनके एक दोस्त हैं मतलब मैं भी जानता हूं इनकी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी बहन बनी हुई है उनके घर पे हम लोग जा रहे हैं और एक दो दिन में हमारा शूट है गाना और इसलिए हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी ना इसकी तबीयत भी यहां पर ख़राब हो रही थी तो हमने सोचा चलो चलते हैं बाकी जाने का हमारा दिल नहीं कर रहा था तबीयत की वजह से जाना पड़ रहा है अम्मी अब्बू जो है ना काफ़ी दुख में थे कि ये लोग जा रहे हैं जाहिर है अब दो तीन दिन हम साथ रहेंगे उनके साथ मिक्स होकर रहेंगे तो उनका दिल जो है ना आपको पता है छोटा सा दिल होता है तो वो जो है काफ़ी वो कर रहे थे लेकिन मजबूरी थी जाना पड़ता है काम हमारा बाहर है इधर का नहीं है हमारा। तो जी फाइनली हम लोग मुल्तान पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे हमारा जो है जाम ने जाने तकरीबन टाइम लगेगा 20 मिनट और मैं सो गया था रास्ते में। आप लोगों को पता है कि मैं जो है ना ट्रैवलिंग के दौरान मैं सो जाता हूँ मेरी नींद जो है ना ऐसी अजीब सी हो जाती है मुझे नींद आने लग जाती है और ये जो है बेचारे ने बैठ के टाइम गुजारा मैं सो गया था। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और खाने का वेट कर रहे थे हमने कहा कि वो आएंगी तो खाना खाएंगे लेकिन वो थोड़ा सा बाहर हैं सैरू जी बाहर हैं। मैं मैसेज किया कि आप लोग खाना खा लो मैं थोड़ी सी लेट आऊँगी तो खाना आ गया खाना खाते हैं और मुल्तान से हमारा घर जो है एक घंटे का सफ़र था डेढ़ घंटे का वो करके हम यहाँ पर पहुँच गए और बड़ा यार अभी तक जो है ना वो वाला लम्हा नहीं भूल पा रहा मैं वो वाला लम्हा नहीं भूल पा रहा जो था कि यार अम्मी अब्बू थे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि वो रोने लग गए ना अब्बू की तबीयत आप लोगों को पता है ख़राब थी तो अब्बू रोने लग गए और लोगों के कमेंट आ रहे थे टिकटॉक पे कि अपने बाप को ना साथ ले जाओ ये वो तो यार हमारी जो फील्ड है ना हम कभी कहीं होते हैं कभी कहीं होते हैं तो हम ठीक से केयर नहीं कर पाते। यहाँ पर मेरे 5-4 भाई हैं और वो उनकी जो है ना ख्याल करते हैं सिस्टर वगैरह सारे इधर हैं तो जो मैं हूँ मेरी जब से शादी हुई तो हम लोग जो है ना आउटिंग पे रहते हैं मतलब हमारी फील्ड ऐसी है लेकिन लाहौर मुल्तान इधर घूमते रहते हैं तो फिर बीमार बंदे को हम साथ तो नहीं लेके घूम सकते क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो ये है कि कभी भी हमें कहीं कम पड़ सकता है। टाइम नहीं मिला कि इससे आगे व्लॉग बनाते हैं सो थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।